नीचे भी देख ले, फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। नीचे भी देख ले, फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। वहाँ भी भीड़ है भाजपा की सरकार के पीछे। देखिए चौधरी मनिंदर पाल जी आज गाँव बहुत कुछ बता रहे हैं, कितने कम दिन जाएंगे अभी देखा। आज इस सभा में उपस्थित देवतुल्य ग्रामवासियों, इस गांव के प्रधान तेजवीर सिंह जी, हमारे साथी धर्मेंद्र जी, गौतम शिवाज जी, आदेश कसाना जी और सभी लोग, शरद मुजमल जी, सभी लोग जो दिन रात मेहनत किए हुए हैं। और मैं तो भाई मुझे ज़्यादा नहीं कहना, इतनी सुबह इतने लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठा रहे, आपका जोश देख के मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और बिना किसी देरी के मैं इस विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय मनिंदर पाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और नौ सब के सपोर्ट है। पिताजी श्यामबीर, श्यामबीर भाई, श्यामबीर आ जाओ, कल जूम करके बना, जूम करके नूर ले भाई, जूम। हेलो, अरे मैं यहीं लग रहा यार, अभी टाइम लग जाएगा यार, यहाँ सिंह ज्योतिराम सुनील अत्रोपण सुरेश मम्मा मुकेश भाई नंबर भाई अत्रोपण दुनिया भर की मालवा दी अभी और अपना कल्ला में भाई बड़े तो पीछे बैठ के दिख रहे हैं कि हमें सीता है सतवीर आ जाओ सीता क्या है यस मां मारे छुपी है सॉरी हां चल तो यस मां हो गया भाई ये घर पे ना जाओ आगे हमारे पीछे बैठ के कितने बना के रहे हैं सारे नाम से ना ना करो भाई साहब बुजुर्ग है आदर्श समाज से है और ये बिल्कुल आपकी कृपा पर धन्यवाद आपके नाम ले रहे हैं
चरणू जी आप आके बैठिए, आप पीछे बैठे मुसंती भाई मुसंती कहाँ है मुसंती नेपाल मुसंती नेपाल मुसंती मुसंती बहुत पीछे खड़ा था दिखाई दे रहा रामेश्वर माले डल लगा आलम तू डाल का था वोट तक गिर गया तो तुम्हारे बोल अब मैंने लाल नहीं माला तो मुझसे कुल करेगा अच्छा जो फोटो खिंचवाओ पिटेगा जो फोटो खिंचवाओ डेगा डॉक्टर यूनुस कहाँ है यूनुस किधर चला गया यूनुस मैं कहाँ है भाई बहुत देर से तो ये बात हो रहा है भाई कहाँ का डब लगा रहे हैं बढ़िया है अच्छे जी हमारे यूनुस भाई है ये आप आपके वो है और कोई है तो नहीं कोई कोई है और आ जाओ और कोई है तो नहीं बहुत अमीर है क्या आप तो कौन है आपकी बार आपके 80% साथ है 80% साथ है आज चुनाव लड़ रहे हैं मेरे अपने ख्याल से आपका मन होगा आप बताओगे मेरे अपने ख्याल से अगर कोई प्रत्याशी सबसे निकट इस गांव के है तो मैं होना चाहिए मेरा गांव रहा है मैंने लगातार 10 साल यहाँ काम किए हैं जो काम मेरे से पहला मैं कभी होता नहीं पहले से आपसे जुड़ा रहा जो भी विधायक लड़ रहे हैं कोई सवाल का लड़ रहा है और कोई दूसरे गांव का लड़ रहे हैं और मैं बिल्कुल आपके निकट का हूँ घर बराबर में है पड़ोस में है शहर का मकान भी आपसे बहुत करीब है तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है इन सब बातों का ध्यान रखो दूसरी चीज सारा हिंदू समाज दलित समाज प्रजापति समाज धीमर पाल प्रजापति त्यागी ब्राह्मण जाट सब लोग लग रहे हैं और जो देश का भला चाहने वाले मुसलमान है राष्ट्रवादी मुसलमान वो भी इस बार हमारे साथ है मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता पर इस विधानसभा के 5,000 मुसलमान जरूर इस बार भारतीय जनता पार्टी के दलित समाज के लोग सारे समझ गए
बसपा से लड़ रहा है वो चुनाव जीत लेंगे तो लड़ ही रहा, तो सारे दलित समाज के लोग हर गांव में साथ है। आपके यहाँ आगे और खुशी हुई, आपके यहाँ सब लोग मिल गए, यहाँ दलित समाज के लोग भी हैं, प्रजापति समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं। तो मेरा निवेदन है 10 तारीख का चुनाव है, दोबारा में भी आप आने का, मेरे भी गाँव भर गए 10 तारीख से सारे लग के बढ़िया वोट डाल देना। अब देखो सुनो, पिछली बार जितनी वोट भाजपा को गई थी प्रधान जी बैठे हुए सामने कह रहा हूँ, अगर तुमने इतनी दी तो कोई फायदा नहीं, फिर मेरे होने का क्या फायदा होगा। पिछली बार से 200-300 वोट बढ़ा दो जरूर। अरे हमारे जाट समाज के लोग हैं, इन्हें भी जाके आप लोग पीछे बैठे हो, कह रहा हूँ जाके कहा करो, अकेला जाट लड़ रहा पूरे जिले में, किसी पार्टी ने किसी जाट को टिकट नहीं दिया, तो इन जाटों से भी सब लोग मिलकर कहो इनको ऐसे वोट दे दो जिता लो से जो भाग रहे थे। सब लोग लग के अपना काम करो, 10 तारीख के 3-4 दिन रह रहे भैया, अपना गंभीर हो जाओ और वोट करा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव में से पैसे और गांव में से